तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट पर। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूँ जो युवा कबड्डी सीरीज का यूथ लीग टूर्नामेंट खेला जा रहा है, इसका भाई जो आज के दिन का थर्ड मैच और टूर्नामेंट का भाई 103वां मैच जो कि खेला जाएगा थाने हम्पी हीरोज वर्सेज मुंबई शहर मोरिया मैवरिक्स, यानी कि भाई THA वर्सेज MUS के बीच में मैच खेला जाना है। अब अगर बात करें दोनों टीम्स की तो दोनों टीम्स के पास काफ़ी सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो अगेन अगर चल गए ना तो GL मिनीजियल में आपको बहुत ही बेहतरीन रैंक देखने को मिलेगी। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दूँ कि अगर आपको GL मिनीजियल विन करनी है ना तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। साथ ही साथ यहाँ पर मैं अभी आपको स्मॉल लीग की टीम भी बना के दिखाऊंगा, लेकिन उन सबसे पहले भाई एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है ना तो अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पर भाई आपके लिए 30 लाख रुपए की ग्रैंड लीग के कॉन्टेस्ट लगे हुए हैं और इसके अलावा भी यहाँ पर एक दो मिनी जीएल 1-2-3 लाख की आपके लिए यहाँ पर लग जाएंगी मैच जब स्टार्ट होने को होगा उस टाइम पे। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर जो 30 लाख की GL लगी हुई है ना इसके लिए भाई मैं आपको स्पेशल 6 GL कॉम्बिनेशन शेयर करूंगा। कहां पर? मेरे टेलीग्राम चैनल पर। कब भाई? जैसे ही मैच की लाइनअप अनाउंस होगी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर 6 GL के कॉम्बिनेशन शेयर कर दूंगा। तो अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है ना अभी के अभी जाइएगा और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि बिना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किए हुए विनिंग करना ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो अभी के अभी जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, बिना टेलीग्राम के आप विनिंग नहीं कर पाओगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कैसे करना है देखिए दोस्तों, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। अगर बाय चांस मान लीजिए कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स वाला लिंक वर्क नहीं कर रहा तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाओगे तो जो फर्स्ट कमेंट है पिंड कमेंट वहां पर भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। तो टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कीजिएगा, दोनों जगह में से कहीं से भी सर्च करके ज्वाइन करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि भाई जैसे आप सर्च करने जाओगे मेरे नाम पर भाई दुनिया भर के फेक चैनल बने हुए हैं तो उसका कोई फायदा नहीं, आप किसी फेक चैनल पर जाकर फंस जाओगे। अब चलिए भाई बात करते हैं मैच के बारे में, एक एक प्लेयर के बारे में। उससे पहले भाई यहाँ पर आपको एक बार पॉइंट्स टेबल दिखा देता हूँ, ठीक है? पॉइंट्स टेबल से आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस टीम के फेवर में आपको टीम बनानी चाहिए। मुंबई शहर मोरिया मैवरिक्स की बात कर यहाँ पे नहीं भाई मुंबई शहर मोरिया मैवरिक्स की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो 4 मैच में से 2 मैच जीते, 2 मैच हारे, +4 का स्कोर डिफरेंस है, ठीक है? और यहाँ पर नंबर 3 की पोजीशन पर बने हुए हैं। नंबर 7 की पोजीशन पर दिखेगी आपको थाने हम्पी हीरोज। अब यहाँ पर थाने डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो इन्होंने 4 मैच में से सिर्फ 1 मैच जीता, -21 का स्कोर डिफरेंस है जो कि काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है? यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, थाने हम्पी हीरोज के पास भी ऐसे प्लेयर्स है जो अगर चल गए ना तो अकेले दम पर भाई आपको विनिंग करवा सकते हैं, लेकिन इनके जो मेन प्लेयर्स हैं वो इस सीजन भाई थोड़ा सा मतलब आउट ऑफ फॉर्म दिख रहे हैं और यही रीजन है कि थाने हम्पी हीरोज जैसी स्ट्रॉन्ग टीम भी आपको पॉइंट्स टेबल में इतना पीछे दिख रही है इस राउंड में। अब चलिए भाई बात करते हैं दोनों टीम्स की स्टार्टिंग 7 की, फिर मैं आपको टीम भी बनाकर दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं थाने हम्पी हीरोज की, तो यहाँ से आपने पॉइंट्स टेबल देखी, वहाँ से आपको एक चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि मुंबई शहर मोरिया मैवरिक्स की टीम है ना वो फेवरेट रहेगी अपने लिए और थाने हम्पी हीरोज के हम कम प्लेयर लेंगे एज कम्पेयर टू मुंबई शहर। तो या तो आप 4-3 का रेशो बनाइएगा इन फेवर ऑफ मुंबई शहर, या फिर आप बनाइएगा 5-2 का रेशो वाली टीम इन फेवर ऑफ मुंबई शहर, ठीक है? अब चलिए भाई यहाँ पर बात करते हैं, सबसे पहले भाई स्टार्ट करेंगे गौरव पाटिल से। गौरव पाटिल की बात करें ठीक ठाक प्लेयर है, मतलब कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, बट भाई अगर वह कंपेयर करोगे अदर प्लेयर से इनकी टीम के तो भाई उनके हिसाब से काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पिक रहेगा। GL मिनी GL प्लस स्मॉल लीग दोनों जगह ट्राई कर सकते हो। वहीं अगर बात करें आर तुपारे की, आर तुपारे ने भाई यहाँ पर लास्ट के काफ़ी मैच मिस किए, इस सीजन इस राउंड के 3 मैच मिस किए, लास्ट मैच में खेला और अच्छी परफॉर्मेंस देकर आ रहा है। अगर आप तो आप इन्हें बैक कर सकते हो, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है टीम का और कंसिस्टेंसी लगातार आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर आप देखिए 2 मैच में 3 मैच में परफॉर्मेंस, फिर 1 मैच खराब गया, फिर से परफॉर्मेंस और उसके बाद आते ही फिर से परफॉर्मेंस देकर आ रहा है। वी पाटिल की बात करें तो वैभव पाटिल आपके लिए GL मिनी GL में एक बहुत बड़ा ट्रंप कार्ड साबित हो सकता है, ठीक है? GL मिनी GL में आपके लिए मस्ट ऑफ पिक रहेगा, स्मॉल लीग में हालांकि रिस्की रहेगा तो स्मॉल लीग में आप ड्रॉप कर सकते हो। एन बोहिर की बात करें तो GL मिनी GL में ट्राई कीजिएगा, स्मॉल लीग में आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, याद हो तो
आपको भाई पहले मैच में हमने इनकी तरफ से वन साइडेड विनिंग की थी, क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर सिर्फ 5% सिलेक्शन था और 76 पॉइंट ही हमें देकर गए थे, ठीक है। यहाँ पर भाई ऐसे डिफरेंशियल पिक्स काम आते हैं, और ये जो डिफरेंशियल पिक्स ना, ये हम कब ले पाते हैं टीम में, जब लाइनअप्स अनाउंस हो जाते हैं। तो लाइनअप्स अनाउंस होने के बाद पता लगता है सामने वाली टीम से कौन से साइड के रेडर रेड कर रहे हैं, राइट रेडर ज़्यादा है या लेफ्ट रेडर ज़्यादा है, तो कौन से कॉर्नर पर ज़्यादा टैकल पॉइंट आएंगे, उसी हिसाब से भाई हम यहाँ पर टीम में चेंजमेंट करते हैं। अब अगर बात करें भाई ऑलराउंडर सेक्शन की, तो यहाँ पर अहमद इनामदार वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर अपनी टीम का, और यहाँ पर देखिए जो ये राउंड स्टार्ट हुआ है ना, इसमें भाई इन्होंने 4 के 4 मैच में कुछ खास कमाल नहीं किया, हालांकि उससे पहले लगातार खतरनाक परफॉर्मेंस दे रहे थे। तो ये अब आप मान सकते हो कि रीसेंट फॉर्म थोड़ी सी गड़बड़ है, फिर भी भाई अगर आप प्लेयर को पोटेंशियल के हिसाब से देखोगे तो आप इसे ज़रूर बैक कीजिएगा, लेकिन फॉर्म के हिसाब से देखोगे तो आप ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो, ठीक है। बात करें अगर रेडिंग सेक्शन की, तो एम सोनावने टीम का मेन रेडर, और भाई मेरे हिसाब से इन्हें आप जरूर ट्राई कीजिएगा, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है 100%। मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इन्हें ट्राई कीजिएगा। इनके अलावा अगर आप किसी के साथ जाना चाहो स्मॉल लीग में, तो वो आपके लिए रहेंगे वी चौधरी। वी चौधरी भी भाई आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पिक रहेगा, जरूर से आप बैक कीजिएगा। इसके अलावा सी गोरो को भी अगर आप चाहो तो आप बैक कर सकते हो, ज्यादा नहीं तो भाई आप इन्हें मतलब CVC ना तो भाई टीम में तो आप ट्राई कर ही सकते हो GL मिनी GL में, ठीक है। अब चलिए भाई सामने वाली टीम की बात कर लेते हैं। इनकी तरफ से अगर बात करें भाई यहाँ पर रेडिंग सेक्शन की, तो सबसे पहले आपको दिखेगा साहिल राणे, जो इस सीजन मेरे हिसाब से ज़्यादा कुछ कमाल नहीं कर रहा, हालांकि लास्ट के 2 मैच में यहाँ पर जो इस सीजन के स्टार्टिंग के 2 मैच थे ना, उसमें कमाल करके आ रहा है, तो मेरे हिसाब से आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। राहुल आचार्य की बात करेंगे, अगेन वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है, और भाई पहले मैच में इन्होंने विनिंग करवाई थी हमें। इसके अलावा अगर बात करें तो बाकी देखिए रिस्क ज्यादा हो जाएगा अगर आप इन्हें ट्राई करोगे, तो मैं रिकमेंड करूंगा इन्हें GL मिनी GL में ट्राई कीजिएगा। वहीं अगर बात करें एस चोगले की, तो इन्हें भी GL मिनी GL में ट्राई कीजिएगा। जे विंदे की बात करें, अगेन भाई GL मिनी GL में ट्राई कीजिएगा, स्मॉल लीग में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। ऑलराउंडर सेक्शन में आ जाइए, यहां पर आप देखो तो शार्दुल पाटिल दिखेंगे, जो मेरे हिसाब से मस्ट ऑफ पिक है, किसी भी हाल में ड्रॉप नहीं करना आपको, हर मैच में आपको अच्छी खासी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, सुपर 10 भी लगा रहे, प्लस 1-2 टैकल भी निकाल रहे, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। बात करें अगर यहाँ पर भाई डिफेंस की, तो यहाँ पर आपको दिखेंगे एच महेश लाड, जो मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट पिक है टीम के, और भाई टीम के कैप्टन भी है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, जरूर से आप इन्हें बैक कर सकते हो। एंड रघुनाथ पाटिल की बात करें, तो अगर आप चाहो तो बैक कर सकते हो, बाकी मैं रिकमेंड करूंगा कि आप GL मिनी GL में ट्राई कीजिएगा, स्मॉल लीग में हालांकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए मे बी ना रहे। अगर यहाँ पर बात करें भाई ऋतिक पाटिल की, अगर खेलता है तो इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन स्टार्टिंग के कुछ मैच खेलने के बाद भाई ये लगातार मैचेज नहीं खेल रहा, और यही रीज़न है कि अभी के लिए मैं इन्हें ट्राई नहीं कर पाऊंगा। चलिए अब मैं आपको टीम बना के दिखाता हूँ, अगेन अभी जो मैं आपको टीम बना के दिखाऊंगा स्मॉल लीग की टीम रहेगी, और प्रिडिक्शन टीम रहेगी, फाइनल टीम जो भी रहेगी दोस्त वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि बिना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किए हुए विनिंग करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। यहां पर एच महेश लाड को अपनी टीम में रखेंगे, इसके अलावा भाई यहां पर अगर बात करें तो आर तुपारे को मैं अपनी टीम में बैक करूंगा, बाकी अगर आप चाहो तो गौरव पाटिल को भी यहां से ट्राई कर सकते हो, बट अभी के लिए मैं ट्राई नहीं कर रहा। यहां से अगर बात करें तो भाई एस पाटिल मेरे हिसाब से मस्ट पिक रहेगा, और यहां पर के सौरे देखकर की बात करें तो इन्हें तो GL मिनी GL में ट्राई करेंगे। यहां से भाई मैं अहमद इनामदार को अपनी टीम में रखूंगा। बात करें अगर रेडिंग सेक्शन की, तो एम सोनावने को अपनी टीम में रखूंगा, इसके अलावा साहिल राणे को अपनी टीम में रखूंगा, और देखिए अगर आप चाहो तो अब यहां से देखिए विघ्नेश चौधरी या फिर राहुल आचार्य, इन दोनों में से किसी एक को ट्राई कर सकते हो, लेकिन यार मैं इनकी तरफ से एक डिफेंडर ज़्यादा लेना चाहूँगा मुंबई शहर की तरफ से, तो मैं यहाँ से एन रघुनाथ पाटिल के साथ जा रहा हूँ। बाकी अगर आप चाहो तो भाई आप अपने हिसाब से 1-2 चेंजमेंट कर सकते हो। अगेन यहाँ पर जो अभी मैंने 7 प्लेयर सेलेक्ट किए, ये भाई लास्ट मैचेज के परफॉर्मेंस के बेस पर किए, और एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनमें भाई अगर कोई नहीं खेलता तो उसकी जगह पर किसे लेना है, क्या करना है क्या नहीं करना, वो मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। कैप्टनसी की बात करें तो भाई यहां पर एस पाटिल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। वहीं अगर बात करें वीसी की, तो यहां पर आप देख सकते हो वीसी में मैं एच महेश लाड को अभी के लिए लेकर जाऊंगा। हां दुनिया आएगी भाई अहमद इनामदार के साथ या फिर एम सोनावने के साथ, अगर आप इनके साथ जाना चाहो तो जा सकते हो। वहीं अगर बात करें भाई यहां पर साहिल राणे की, तो मैं इनके साथ भी एज ए वीसी जा सकता था, लेकिन जो शार्दुल पाटिल है इन्हें अगर ये रेडिंग में चल गए ना, तो भाई यहां पर साहिल राणे की रेड कम लगेंगी, और रेड कम लगेंगी तो भाई पॉइंट कम लेकर आएगा, और इसीलिए भाई मैं यहां से एक डिफेंडर को वीसी देकर जा रहा हूं। टीम प्रीव्यू आपके सामने, ऑलमोस्ट फाइनल टीम है, बाकी फिर भी कोई चेंजमेंट होता है, कुछ अपडेट आएगी तो वो मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के फर्स्ट कमेंट में। बाकी मैं मिलता हूं आपसे मैच टाइम पर टेलीग्राम चैनल पर, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।